ओके हेलो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब जय जिनेंद्र। सो गाइज वेलकम टू अभी जैन डांस वर्ल्ड। सो कैसे हो सब, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज आज हम सीखेंगे गेंदा फूल का स्टेप बाय डांस ट्यूटोरियल और ये होगा किड्स के लिए, मतलब बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये उनके लिए बहुत ईजी डांस है। आप अगर पेरेंट्स देख रहे हो तो आप इजीली इसको सीख कर उनको बच्चों को सिखा सकते हो, क्योंकि घर में बैठे हो वो भी बोर हो रहे होंगे, आप भी बोर हो रहे होंगे, तो इससे अच्छा उनको ये सिखाइए ताकि एंटरटेनमेंट हो जाए। गेंदा फूल जो नया सॉन्ग आया है बादशाह का, सीखिए, बहुत इजी डांस है और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। जो छोटे बच्चे हैं और बच्चियां हैं दोनों कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और ये बेल आइकन दबा लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो बट बेल आइकन नहीं दबाते हो तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाती, तो बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आके आप मुझे अपने फेवरेट सॉन्ग्स बता सकते हैं। सो शुरू करते हैं गेंदा फूल स्टेप बाय डांस ट्यूटोरियल Only for kids। सीख सकते हो आप भी, अगर आपका बिगनर लेवल है तो आप भी सीख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज ये मेरी राइट हैंड साइड, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड, तो हम स्टार्ट करेंगे चले जब तू लटक मटक। बच्चों तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको स्ट्रेट खड़ा रहना है ना, सीधा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, राइट लेग पहले आगे लेना है वन, देन लेफ्ट लेग आगे लेना है टू, और हाथ कैसे रखना है, एक हाथ यहाँ पे और एक हाथ कमर पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा चले जब तू। ओके गाइज तो वापस करते हैं बच्चों, 5 6 7 गो, 1 2। अब वर्ड आएगा लटक मटक, इसमें हम करेंगे दोनों हाथ हमारे कमर पे और पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में कमर को ले जाना है 1, देन राइट हैंड साइड में 2। तो अगेन करते हैं 5 6 7 गो, चले जब तू लटक मटक, ठीक है बच्चों। इस बच्चों या बच्चे सीख रहे हो तो बच्चों के लिए और बड़े सीख रहे हो तो बड़ो आपको भी। वापस 4 3 2 गो, चले जब तू लटक मटक, देन वर्ड आएगा लौंडो के दिल पटक पटक। इसमें आपको करना है हाथ ऐसे रख के इधर से बालों के ऊपर से हाथ ले जाके और राइट लेग को पीछे लेना ऐसे, लौंडो के दिल, ठीक है बच्चों। एकदम इजी सा स्टेप था, आप इजीली इसको सीख सकते हो। वापस 5 6 7 को स्टार्टिंग से करते हैं ना, 5 6 7 गो, चले जब तू लटक मटक लौंडो के दिल। अब वर्ड आएगा पटक पटक, इसमें आपको करना है राइट हैंड ऐसे लेके लेफ्ट साइड में ऐसे दो बार पंच करना है और लेफ्ट लेग को ऐसे करना है किक 1 2। तो ये पूरा बनेगा पैरा 5 6 7 गो, चले जब तू देन लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक। सो अब इसको एक बार अपन काउंटिंग में करेंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ कीजिए काउंटिंग में, देन इसको हम म्यूजिक में करेंगे किस तरह से मैचअप होता है, ठीक है। तो 5 6 7 गो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो गाइज इसको हम म्यूजिक में करके देखते हैं किस तरह से मैचअप होता है। चले जब तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक। ओके गाइज तो लास्ट स्टेप हमारा आ गया था 1 2 3 4। तो इसके बाद वर्डिंग आती है सासे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक। तो इसमें हम हमारा स्टेप देखेंगे, लास्ट हम आ गए थे 1 और 2। अब यहाँ से हमें गोल घूमना है, एकदम इजी बता रहा हूँ मैं ताकि बच्चे किड्स होते हैं जो इजी कर पाएंगे, एकदम बिगनर लेवल का है तो इजीली सीख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हमें गोल घूमना है 1 2 3 4, मतलब राइट हैंड से घूम के आपको आना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अगर आपने इसको सिग्नेचर स्टेप आपको सीखना है इसका, तो उसकी वाई बटन पे लिंक दे दी है और जो हार्ड कोरियोग्राफी जो बड़ों के लिए है वो भी इसकी लिंक दे दी है, वहाँ पे जाके आप अपनी कोरियोग्राफी सीख सकते हो, ये फॉर किड्स है। तो यहाँ से हो जाएगा सांसे जाए, अब आएगा अटक अटक। इसमें हमें चेस्ट को दो बार पहले पप करना है 1, देन अंदर लेना है वापस 2, देन पप करना है 3, देन वापस लेना है 4। तो ये पूरा बनेगा सांसे जाए अटक अटक, ठीक है गाइस। तो एक बार स्टार्टिंग से करते हैं 5 6 7 गो, चले जब तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक। इसके बाद वर्डिंग आती है हमारी आता माजी सटक सटक। सबने सिंगम देखी है ना, अगर छोटे छोटे होंगे सिंगम ऐसे जो सीधा ऐसे वैन में आता है, वैन क्या जिप में आता है, ठीक है। तो हम स्टेप देखते हैं, हमारा लास्ट हो गया था सांसे जाए अटक अटक। अब आपको करना है ऐसे हाथ रखो ऐसे की तरफ, या ऐसे भी रख सकते हो आप, है ना, इस तरीके से, पर हम ऐसे रखेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, राइट लेग पहले इधर की तरफ, राइट को ले जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड है ना ये हमारी, आता माजी देन लेफ्ट हैंड से सटक सटक। तो ये पूरा बनेगा आता माजी सटक सटक। तो एक बार स्टार्टिंग से करते हैं 5 6 7 गो, चले जब तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक। सो गाइज इस स्टेप को भी हम म्यूजिक पे करके देखते हैं तो किस तरह से मैचअप होता है, आप साथ में कीजिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। आता माजी सटक सटक। ओके तो लास्ट हमारा स्टेप आ गया था आता माजी सटक सटक, देन वापस आएगा बम तेरा गोथे काए। तो इसमें हमारा स्टेप होगा, हमें यहाँ से कमर को गोल घुमाना है हमारा, जो ये हो गया था ना 1 2 3 4। अब यहाँ से हम हाथ को नीचे लाएंगे इस तरीके से और एक चुटकी बजानी है आपको, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों
जवान बहुत फिसल रही मेरी। तो यहाँ से ये नीचे लाएंगे हम वन, और यहाँ से जैसे ये नीचे आया कमर गोल घुमाएंगे वन, तो ये पूरा हो जाएगा बम 13। अब जैसे वर्ड आएगा गोथे का है, उसमें आपको क्या करना है पता है, हाथ ऐसे रखो और दो साइड आपको कमर चलानी है, लेफ्ट हैंड साइड में कमर चलानी है आपको दो टाइम, तो ये हो जाएगा गोथे खाए। या तो आप कमर चलाओ, और थोड़ा अगर आपने डांस सीखा है तो आप ऐसे लेग भी कर सकते हो, 1 2 कमर भी चला दो तो भी ठीक है। तो ये पूरा बनेगा, लास्ट हमारा था आता माजी सटक सटक बम तेरा गोथे काय। ओके गाइस, तो इसके बाद वर्ड आएगा कमर पे तेरी बटरफ्लाई, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें आपको हाथ रखना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ आपको हाथ को ऐसे करो 1 2 3 4, वापस बताता हूँ अच्छे से, एकदम इजी है, आपको आराम से, आप स्लो भी करके देख सकते हो, स्लो का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, स्लो करके आराम से सीख लो। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और कोशिश करना कि पैर आपको कैसे करना है, 1 2 3 4, है ना। आप लोग घर पे बैठे, हम लोग आराम से प्रैक्टिस करेंगे, तो वापस देखते हैं 5 6 7 गो। अब होगा 1, अब जैसे ही इसको बंद कर रहे हो तो पैर वापस पास लियो, 2, अब इसको वापस खोलेंगे, 3, फिर इसको बंद करेंगे, 4। गाइस मैं 1 2 3 से ज़्यादा अच्छा है ना, मेरे को वर्डिंग पे रहता था कि ईजी रहता है सिखाने में भी, और मेरे हिसाब से आपको भी सीखने में अच्छा लगता है। बताना कि आपको वर्डिंग पे सीखना ज़्यादा बेटर रहता है कि 1 2 काउंटिंग हिसाब से। तो हम देखते हैं 1 2 3 4, वर्डिंग है कमर पे तेरी, तो ये हो जाएगा कमर पे तेरी। देन वर्ड आएगा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में आपको करना है हाथ इस तरीके से, अब लेफ्ट लेग से इधर की तरफ उड़ो, कैसे उड़ोगे, ऐसे उड़ोगे नॉर्मल सा, और लेफ्ट लेग को ऊपर लो बटरफ्लाई, तो ये पूरा बनेगा कमर पे तेरी बटरफ्लाई। तो एक बार अपन करते हैं आतामाजी सटकली से, फिर इसको वर्डिंग में करेंगे, 5 6 7 को, जमन बहुत हिसल रही मेरी, 5 6 7 को, आतामाजी सटक सटक बम तेरा गोथे काय। देन वर्ड आता है कमर पे तेरी बटरफ्लाई, जो अभी स्टेप बताया था मैंने, तो ये हो जाएगा कमर पे तेरी बटरफ्लाई। सो इस स्टेप को म्यूजिक पे करके देखते हैं किस तरह से मैचअप होता है। टक बम तेरा गोथे काय कमर पे तेरी बटरफ्लाई। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या था, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, अब आएगा बॉडी तेरी मक्खन जैसी। इसमें करेंगे बच्चों बार बार बोल रहा हूँ कि मैं बच्चों के लिए ही पर्पस के हिसाब से बनाया है, अगर बड़े देख रहे तो बड़े है ना, तो बटरफ्लाई। अब यहाँ से हम करेंगे 1, पहले लेफ्ट हैंड आपको ऊपर लेना है 1, अब राइट हैंड 2, अब इसको नीचे लाना है 1 2 3, और कोशिश करनी है कि पैर थोड़े हमारे यूज इस तरीके से 1 2 3 4, मतलब आपको जल्दी जल्दी नॉर्मली ऐसे पैर चलाना है, टेक्निक में नहीं बताऊंगा मैं कैसे है 1, नॉर्मली आपको फिर से ऐसे पैर चलाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा बॉडी तेरी मक्खन जैसी, 3 टाइम में आपको नीचे लाना है, ठीक है। तो ये पूरा बनेगा, ये था कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसी। फिर हमारा वर्ड आएगा खाने में वस्तु बटरफ्लाई, इसमें करेंगे हम यहाँ से हमें राइट लेग को ले जाना है इधर की तरफ टक, ठीक है, और दोनों हाथों को आपको ऐसे कीजिए, ऐसे क्लैप करके आगे से ग्राउंड करके वापस ला रहा है, और राइट खाने में वस्तु, अब वर्ड आएगा मक्खन खाए। अब लेफ्ट जब हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो छोटा सा ऐसे वेव लेंगे और हाथ लेफ्ट हैंड को करेंगे मक्खन खाए, तो इसको पैर को ले जा रहा हूं मैं मक्खन खाए, एकदम इजी था ना। तो वापस करते हैं हम आतामाजी सटक से वापस, 5 आप भी साथ में कीजिए, 5 6 7 गो, आतामाजी सटक सटक बम घुमाई कमर तेरा गोथे खाए। देन वर्ड आएगा कमर पे तेरी बटरफ्लाई, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, फिर बढ़ाएगा बॉडी तेरी मक्खन जैसी खाने में वस्तु बटर खाए। फिर हमारा इससे पहले एक बार म्यूजिक वगैरह लेते हैं किस तरह से मैचअप होता है, बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में वस्तु बटर खाए। ओके, लास्ट टाइम हमारा क्या था, खाने में वस्तु मक्खन खाए, अब वर्डिंग आएगी खमो अब बेबी क्रिकेट क्रिकेट। अब 3 स्टेप्स है, फुटवर्क सेम है और जो हैंड मूवमेंट है वो भी सेम है, देखते हैं कैसा होगा। पहले आपको लेफ्ट को पीछे ले जाना है क्रॉस, राइट के पीछे से क्रॉस, ठीक है, लेफ्ट फिर राइट। अब राइट शोल्डर को 2 बार इधर की तरफ पप करना है किस तरीके से, 1 2, ये बताता हूँ शोल्डर्स कैसे चलते, देखो राइट हैंड को आपको इधर ले जाना है और लेफ्ट को नीचे करना है, तो ये नीचे जा रहा है और ये इधर, तो नॉर्मली ऐसा हो रहा है 1, अभी वापस आएगा तो सेम उल्टा हो जाएगा 2, है ना। तो ये पूरा बनेगा कम ऑफ बेबी क्रिकेट क्रिकेट, ठीक है। देन वापस अब हम आगे से ले जाएंगे, पहले लेफ्ट को पीछे लिया था, अब राइट को आगे लो, काटू तेरी, अब हमको चलाना है लेफ्ट हैंड शोल्डर, काटू तेरी टिकेट टिकेट, ठीक है। तो वापस एक बार बता देता हूँ, 5 6 7 गो, कमो बेबी क्रिकेट क्रिकेट, काटू तेरी टिकेट टिकेट, है ना। अब हमारी वर्डिंग आएगी खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट, तो ये हो गया था हमारा कमो बेबी क्रिकेट क्रिकेट, काटू तेरी टिकेट टिकेट। अब हमको लेग मूवमेंट तो सेम करने हैं, बस हैंड्स हमारे हो जाएंगे ऐसे, आपको
बैट लेना है। सब लोग आप क्रिकेट तो खेलते हो ना, कमेंट में बताना कौन कौन क्रिकेट खेलता है। सो ऐसे बैट लेके हमने किया यहाँ से 1 2, इस तरीके से हमें दो शॉट लगा ले और लेग मूवमेंट सेम। तो ये पूरा मैं वापस एक बार कर लेता हूँ, ये मेरा कमो बेबी क्रिकेट क्रिकेट टाटू तेरी टिकेट टिकेट। अब वापस पीछे से खेलता नहीं, हाथ दो इस तरीके से और राइट को टैप करो क्रिकेट क्रिकेट दो बार और ये फास्ट आएगा बच्चों, ये वाला स्टेप थोड़ा फास्ट है तो सब देख लेना। काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट, देन बार आएगा पर ले लू तेरी विकेट विकेट। अब इसमें हमें करना है वापस लेग मूवमेंट, हम सेम वहीं पे ले जाएंगे 1 2। अब हाथ आपको रखना है ऐसे और लेफ्ट हैंड ऐसे, अब यहां से नॉर्मली ऐसे करना है और राइट लेग से टैप करना है 1 2। तो ये पूरा एक बार मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। 5 6 7 गो कम ऑफ बेबी क्रिकेट क्रिकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लू तेरी विकेट विकेट। सो इस स्टेप को भी म्यूजिक में करके देखते हैं किस तरह से मैच होता है। बेबी क्रिकेट क्रिकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट। अब यहां से हमें करना है जो हमारी सिग्नेचर वर्डिंग है वो, वैसे सिग्नेचर स्टेप अगर आपको सीखना है, ये साड़ी वाला था ना जो सॉन्ग में, अगर ये आपको सीखना तो इसकी वीडियो आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पे क्लिक करो, वो वीडियो भी अपलोड है। तो वो स्टेप चाहो तो आप वो भी स्टेप सिखा सकते हो अपने बच्चों को, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो और बच्चों आप खुद देख रहे हो तो बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कौन सा इजी स्टेप होगा। मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी स्टेप होगा, या तो आप वो ले लो वो भी ठीक था, पर उससे पहले दो स्टेप और बताऊंगा वो डाल के देन आप जो सिग्नेचर स्टेप नहीं वाला बोलो लो के बेटी लो लंबो लंबा चूर कहते हैं देखो, ठीक है। तो हम देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसमें हमें करना है सबसे पहले लास्ट टाइम हमारा था 1 2 3 4। अब यहाँ से राइट हैंड को हमें लेना है ऊपर की तरफ 1 2, ठीक है। वापस 5 6 7 गो बोरो लोक कर बेटी लो देन लंबा लंबा चूल। अब जो आगे की वर्डिंग आई इसमें आपको करना है दो बार तो हाथ को आगे ले जाके 1 इस तरीके से, मतलब फूल गिराना, फूल की वर्डिंग आएगी जब, तो ये बनेगा 5 6 7 गो बोरो लोक कर बेटी लो लंबा लंबा चूल देन आपको आगे गिराना है ऐसा हाथ टाना। अब हाथ यहां से लेफ्ट लेग ऊपर 1 इस तरीके से और राइट हैंड इधर। अब एक राउंड लो चार, तो एकदम इजी था ये, उससे ज्यादा इजी था। तो वापस देखते हैं 5 6 7 गो लाल गेंदा फूल। सो इस स्टेप को मैं एक बार सिग्नेचर स्टेप आगे वाला जो सॉन्ग में किया गया वो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, शॉर्ट ऐसे पूरा बता पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा फिर भी नॉर्मल बता देता हूँ। उसमें आपको साड़ी का पल्लू पकड़ना है और अगर आप अपने बच्चे सीख रहे हैं तो साड़ी का पल्लू, या अगर बॉयज सीख रहे हैं तो आप नॉर्मल ऐसे हाथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो नॉर्मली आपको ये लेना है टनाना, देन यहाँ से राइट लेग को आगे रख के इस तरीके से, अब यहाँ से एक वेव लेनी है, ये मेरे हिसाब से बच्चों के लिए ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो वेव की जगह आप ये बता देना ये हो गया था 1 2 3 4 1 2 3 4, दो स्टेप उनको आगे गाना 1 2। अब यहाँ से पीछे लेना शेक की तरफ टन टन, तो ये हो जाएगा टनाना। सो ये स्टेप उनको बता देना था ये ज्यादा बेटर रहेगा, या सिग्नेचर स्टेप कराऊं तो उसकी बटन आई बटन उसकी जो वीडियो की लिंक है वो आई बटन मिल जाएगी। सो ये स्टेप बाय स्टेप डांस ट्यूटोरियल हमारा कंप्लीट होता है, इस स्टेप को भी हम एक बार म्यूजिक वगैरह देख लेते हैं किस तरह से मैचअप होता है। सो एक बार वो कर ही लेते हैं, मैं बता ही देता हूँ किस तरह से होगा। तो 5 6 7 को ये वाला स्टेप बता देता हूँ मैं, लाल गेंदा फूल देन वापस आएगा ब्रिंग द पार्टी देन वापस वही सेम आएगा बोरो लो कर बेटी लो लंबा लंबा चूल देन सेम मैंने वेव नहीं बताई है क्योंकि बच्चों के लिए ज्यादा हार्ड होगी वेव, तो वेव की जगह आप ये करवाओ 1 2 3 4 1 2 3 4। सो इसके बाद अब जो हमारा ट्रेनिंग वाला स्टेप आएगा वो देखते कैसे, इसमें आपको लेफ्ट हैंड ऊपर रखना है, ये आपको सबको करना है ना, तो अच्छे से देखते हैं। अब राइट हैंड से हमें ऐसे वॉयलिन बजाना है, वॉयलिन गिटार कुछ भी मानो आप, अब यहाँ वैसे ये होता क्या मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, गिटार होता है वॉयलिन होता है मुझे एक्चुअली नहीं पता। अब यहाँ से हम पहले लेफ्ट लेग को इधर की तरफ लेंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो 1 2, अब 3 में पूरा 3, मतलब जैसे पहले 1 में हमने थोड़ा सा लिया टाक टाक देन टाक देन वापस सेम अब राइट से 1 2 देन 3, ये आपको करना है 4 टाइम स्टेप करना है। तो ये ट्यूटोरियल हमारा कंप्लीट होता है, हमारा बोल रहा हूँ
हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। होप करता हूँ आपको ट्यूटोरियल समझ आया होगा। अगर बच्चों आपने डांस सीखा है या बच्चों के पेरेंट्स ने डांस सिखाया है, तो कमेंट बॉक्स में बताना ट्यूटोरियल कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अभिजेन डांस वर्ल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे डांस ट्यूटोरियल मिलेंगे आपको ओनली ऑन अभिजेन डांस वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आशा करता हूँ आप सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित, मैं सुरक्षित। थैंक यू सो मच।